तो आपने तो बड़े वाले अलॉय व्हील्स लगा रखे, तो आपके शॉकर का क्या हुआ फिर? मेरे तो पिछले शॉकर बोल चुके हैं, बोल गए एक साल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज की नई वीडियो में। सामने आप देख रहे हैं हुंडई की तरफ से आने वाली सेडान कार वरना। अगर मैं बात करूं 2022 में अगर आप कोई सेडान कार खरीदने जाते हैं तो आपको इस समय मार्केट में बहुत सारी कार अवेलेबल हैं। आप सीएस पे जा सकते हैं और इसके कंपटीटर बात करूं तो होंडा सिटी पे जा सकते हैं, और अभी फॉक्सवैगन और एस्कॉडा ने भी अपनी स्लाविया और वर्टुस लॉन्च की है। तो 2021 मॉडल ये आप हुंडई वरना का देख रहे हैं। सामने इसके ओनर से हम जानेंगे इसके पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑनेस्ट यूजर रिव्यू सर। तो ये बताइए सर, कब परचेस करी थी आपने और कितने की पड़ गई थी आपको? ये 2000 की लास्ट में परचेस की थी हमने गाड़ी, और 13.5 की समथिंग पड़ी थी हमारे। 13.5 लाख की पड़ गई थी आपको जी। अच्छा, तो सर ये बताइए, जब 2021 में आप इस गाड़ी को परचेस कर रहे थे तो आपने किस किन किन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी? होंडा सिटी का लिया था, हाँ, और सियास का लिया था। अच्छा, चार पांच गाड़ी वो ट्रायल लिए थे वैसे, बट बेटर सभी में यही लगे। अच्छा, उन सब में ये सबसे बेटर लगी आपको? तो ये बताइए सर, जैसे इस गाड़ी की वरना की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल में आपने लिए, तो पेट्रोल में तो इसका बहुत कम माइलेज मिलता होगा, कितना माइलेज निकाल लेती है अभी? माइलेज मान लीजिए 13-14 का। तो आपने जब कंपैरिजन करा था उस टाइम पे होंडा सिटी जो है वो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आती है और उसमें माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, तो आप होंडा सिटी पे क्यों नहीं गए? शुरू से हम जो है आपका वरना लवर रहे हैं। इससे अच्छा। पहले भी हमारे पास में बनना ही थी, 16 वाला मॉडल भी था, 19 वाला मॉडल भी था। अच्छा। ये तीसरी ली। अच्छा, तो ये बताइए सर कितने किलोमीटर चला चुके हैं आप इसको? एक साल हो गया। ये टोटल चलिए वही 35% 35,000 के आसपास ही। तो 35,000 के आसपास इसमें चला चुके हैं, तो एक बार में कितना लंबा स्ट्रेच मारा है इसमें आपने, मतलब एक बार कितने किलोमीटर लगातार चलाई हुई है? सबसे ज़्यादा चली होगी तो 700-800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर का जो आपने स्ट्रेच किया था उसमें गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया? हाईवे पे चली है या सिटी वगैरह में? हाईवे पे चली, तो हाईवे पे कैसी परफॉर्मेंस है इसकी? बहुत बेटर। अच्छा, हाईवे पे तो माइलेज भी ठीक है। हाईवे पे लोकल में 13-14 देती है, वैसे हाईवे पे 18 तक। अच्छा, हाईवे पे 18 तक मिल जाता है। तो आपने जैसे एक साल में अच्छी खासी गाड़ी की चला ली है 35,000 के आसपास, तो आप डीजल के ऊपर क्यों नहीं गए? इसका जो डीजल इंजन है उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है। परफॉर्मेंस है, बट जो क्वालिटी इसकी आती है ना रेसिंग में पेट्रोल वर्जन पे, डीजल पे नहीं आती है। अच्छा अच्छा, तो पिकअप भी हाई रहता है पेट्रोल में, डीजल में कम रहता है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि कितनी इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ रही है अभी? सर्विस कॉस्ट मान के चलिए वही 4.5-5 हज़ार रुपये की समथिंग पड़ती है। 5,000 के आसपास मिनिमम, मतलब ऊपर भी हो सकती है, 1,000-2,000 रुपये पड़ जाते कई बार। अच्छा, मतलब 4.5-5 हाई है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आप कितनी सर्विस करा चुके हैं वैसे अभी तक इसकी? कंपनी वाली कम्प्लीट हुई है। अच्छा, कंपनी वाली फ्री सर्विसेज जो रहती हैं। तो इसकी चलो सर इंटीरियर में चल के बात कर लेते हैं। तो इसमें आपने ये मॉडिफिकेशन भी कराया हुआ लग रहा है कि क्या 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 मॉडिफिकेशन कराया हुआ है? मॉडिफिकेशन में आपका अलॉय व्हील्स, अच्छा, लो प्रोफाइल टायर, हाँ, ये सब चीज़ें लगवाई हैं, क्रोम्स वगैरह लगवाई हैं। अच्छा, ये बताइए सर जो इसमें आपने अलॉय व्हील्स में मॉडिफिकेशन कराया हुआ है, अलॉय व्हील्स चेंज कराने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि लोग आजकल शौक में अलॉय व्हील्स वगैरह चेंज तो करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद गाड़ी के परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है? परफॉर्मेंस में अगर आप अलॉय व्हील बड़े करवा देंगे तो शॉकर में थोड़ा इशू रहेगा। अच्छा, शॉकर से आपके जल्दी जाएंगे। अच्छा, और दूसरा माइलेज का थोड़ा फर्क आएगा, 2-3 किलोमीटर का। तो आपने तो बड़े वाले अलॉय व्हील्स लगा रखे, तो आपके शॉकर का क्या हुआ फिर? मेरे तो पिछले शॉकर बोल चुके हैं, बोल गए एक साल में। तो अभी उसका चेंज वेंज करा चुके हैं? करा लिए। उसका कितना खर्चा आया? वो 4,500 का एक पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शॉकर वगैरह जैसे ये जो चेंज हुए आपके, आपने सर्विस कंपनी के थ्रू करवाए या आफ्टर मार्केट करवाए? आफ्टर मार्केट कराया। एजेंसी में ज़्यादा ही कॉस्ट है। एजेंसी में कितनी कॉस्ट पड़ रही थी? करीबन 1,500-2,000 रुपये का खर्चा। अच्छा अच्छा, तो और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है? इसमें आप देख लीजिए सामने ही है। अच्छा, जो भी काम करा रखा है सारा इंटीरियर आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस कराए हुए हैं? सीट कवर्स वगैरह और इसका प्लेयर चेंज करवाया था। अच्छा, इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज कराया हुआ है। तो और ये सब आपने क्रोम फिनिश भी आफ्टर मार्केट सब लगाई हुई है? यहीं से लगवाई थी। अच्छा, यहीं से लगाई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसमें इंटीरियर आता है। ये कौन सा वेरिएंट लिया हुआ है आपने? EX। दोस्तों हुंडई वरना आपको 1500 cc डीजल, 1500 cc पेट्रोल और 1000 cc टर्बो इंजन ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। वेरिएंट्स की बात करूं तो इसमें आते हैं ES+,
SX और SX ऑप्शनल चार वेरिएंट्स मिलते हैं। तो सर ये बताइए कि कोई बंदा 2022 में Hyundai Verna पे जाना चाहता है तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो अभी लॉन्च हो रही है ना नई वाली, उसमें थोड़ा सा बैक अच्छा नहीं है उसका। अच्छा, जो है ना बैक से खराब कर देगा, कुछ नहीं है। ये जो बैक है इसका बहुत बैटरी लगता है, इसके बाद में आप मॉडल जो मजा नहीं आ रहा। i20 में और वरना में कोई फर्क नहीं रह गया बैक से। अच्छा, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा मेरे को, तो ये लास्ट मॉडल सही लगा, इसके बाद मैं परचेज नहीं करूंगा। अच्छा, अगर अभी आपके पास अगर आज के टाइम पे जो गाड़ियां मार्केट में हैं, जैसे फॉक्स वैगन ने भी अपनी निकाल दी है वर्टूस नाम से, स्कॉडन है, स्लाविया निकालती है सेडान कार, तो उस आज के टाइम पे अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन होते तो आप किस गाड़ी पे जाते? अभी तो फिलहाल 21 के हिसाब से तो यही मॉडल बेस्ट था। हाँ, अब 22 में अब नया कोई वेरियंट आएंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे। एक चीज मुझे बताइए सर, 2021 में जब आप अपनी गाड़ी परचेज करने जा रहे थे तो उस टाइम पे कॉम्पैक्ट एसयूवी का ज्यादा वो चलन चल रहा था, लोग मतलब क्रेटा खरीद रहे थे, नेक्सॉन खरीद रहे थे, तो आप उन गाड़ियों के ऊपर क्यों नहीं गए? मेरे को सेडान गाड़ी पसंद आती है। अच्छा, आपको सेडान ही चाहिए? ठीक है सर, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोगों में से भी कोई 2022 में Hyundai Verna को परचेज करना चाहता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।